मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। नमस्कार, मनमोहन मिश्रा का सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपनी मूवी की बात कर रहा हूँ जो मैं अभी अभी कंप्लीट करके आया हूँ, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति जी, शक्ति ये एक लेडीज ओरिएंटेड कहानी है, लेकिन इसमें मेरा भी बहुत अच्छा बहुत अहम रोल है, जिसमें मैं एक लॉयर का किरदार निभा रहा हूँ। और मैं लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड रहता हूँ, बट आफ्टर मेरे उसकी लाइफ में मेरा क्विट होने के बाद उसके लाइफ में बहुत सारे अत्याचार होते हैं, देन उस बेसिस पे कहानी है। बाकी आज और कहानी मूवी देखने के बाद पता चलेगी। शक्ति नाम है लेडीज मूवी है, तो लेडीज इसमें कोई होगी, जरा नाम बताएं लेडीज का। जी, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री अंजना सिंह जी हैं। क्या बात है, अंजना सिंह आपकी जोड़ी तो बहुत अच्छी लगती है पर्दे पे। जी, मेरी और ये अंजना जी की तीसरी मूवी थी। पहले हम लोगों ने मूवी की थी टाइगर अभी जिंदा है, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और दूसरी मूवी हम लोगों ने की है हथकड़ी पार्ट टू, उसमें मेरे साथ मेरे भाई प्रमोद प्रेमी जी हैं और अंजना जी हैं। अंजना जी मेरे अपोजिट हैं और प्रमोद प्रेमी जी के अपोजिट बहुत ही अच्छी अभिनेत्री प्रियंका राय जी हैं। आपको पता है हथकड़ी पार्ट वन में कौन कौन हीरो थे भोजपुरी के? जी, हथकड़ी पार्ट वन में मेरे फेवरेट निरहुआ जी और खेसारी भाई थे, और बहुत ही अच्छी मूवी थी। और मैंने और प्रमोद प्रेमी जी ने दोनों लोगों ने मिलके ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जिस तरीके से उन लोगों ने अभिनय किया था, तो हम लोग भी मतलब अच्छी कोशिश की है कि मूवी अच्छी बने, और हम लोगों ने बहुत एक अच्छी कोशिश की है। और खेसारी की जो आपने मूवी देखी है हथकड़ी पार्ट वन में, क्या उसमें खास लगा था और इस फिल्म में क्या खास है? उसमें निरहुआ और खेसारी जी की जो हथकड़ी पार्ट वन मूवी है, उसमें उन दोनों का जो किरदार था, एक पुलिस का, बहुत ही अच्छा था, और एक बाद में जो दोस्ती होती है सारा कुछ। और इसमें इसमें ये है कि इसमें दो दोस्तों की कहानी है, जिनके जिनके पेरेंट्स पहले से ही दुश्मन हैं, और मेरे पिताजी और प्रमोद प्रेमी के भाई जी इसमें दोनों लोग पहले से बचपने से दुश्मन हैं, और बड़े होकर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, और उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जितने भी वो रहते हैं, हम दोनों मिलके फाइट करते हैं। और बहुत ही अच्छी एक कहानी है, ज़्यादा कहानी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ अभी, पर बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें अच्छा रोमांस है, अच्छी स्टोरी है, ट्रेजडी है, ड्रामा है, क्लाइमैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही प्यार से हम लोगों ने मेहनत करके मूवी बनाई है, जो कि जनता को बहुत पसंद आएगी। आप कहाँ के रहने वाले हो, फिल्मों में आने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ आपको? एक्चुअली मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, एमपी से, और मूवी में आने का बचपन से ही ये था कि मैं एक दिन एक्टिंग करूँ, और मतलब बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहता था। तो मुंबई आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल चला, और काम पहले नहीं मिले, बहुत टाइम के बाद मुझे रवि सिन्हा जी ने एक ब्रेक दिया अपनी मूवी दुश्मन सरहद पार में, उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया था, और आफ्टर दैट उन्होंने सेकंड मूवी मुन्ना मवाली में रोल दिया। मुन्ना मवाली के हिट होने के बाद जब भी मेरा रोल कुछ दर्शकों द्वारा सराहा गया, उनको खुद को भी अच्छा लगा, तो उन्होंने एक मूवी में साइन किया, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है बहुत अच्छी मूवी है, हम लोगों ने काफ़ी उसमें उसके लिए मेहनत करके, और उसमें बहुत बहुत सारे लोकेशन में शूट किया है, दुबई में शूट किया है, और कई लोकेशन हैं, और उसमें मेरे अपोजिट तीन हीरोइनें हैं, उसमें मेरा डबल रोल है। बहुत अच्छी मूवी शूट हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे साइन किया हथकड़ी के लिए, और हथकड़ी टू हम लोगों ने किया, उसके बाद उन्होंने शक्ति का चांस दिया। तो लगातार कई मूवी हैं अभी पार्ट, अभी और बहुत सारी मूवी मैंने साइन की हैं रिसेंट में, जो कि जल्द ही शुरू होने वाली हैं। तो इस तरीके से मेरा करियर रहा कि रवि सिन्हा जी के साथ तीन फिल्मों की, कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको? बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और मतलब उनके साथ एक मेरा रिलेशन एक गुरु और चेले जैसा है, पर उन्होंने उनके द्वारा उन्होंने मुझे वो मेरे लिए गॉडफादर हैं, कि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया अपनी मूवी में, देन आज उन्होंने ही मुझे अपनी बड़ी मूवी में चांस दिया, जब लीड हीरो लॉन्च किया, तो मेरे लिए वो एक गॉडफादर के जैसे हैं, और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है उनका, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से डायरेक्ट करते हैं, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और आगे इन फ्यूचर भी मैं उनके साथ काम जरूर करूंगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।